आज से ठीक 4 दिन पहले मैं एक चैलेंज शुरू करता हूँ कि मेरे जितने बैकलॉग सभी हैं वो सब इसी मंथ के एंड तक खत्म कर देते हैं। मंथ में बस 15 दिन बचे हैं और मेरे बैकलॉग्स 2 महीने के हैं। 15 दिनों में 2 मंथ्स का बैकलॉग हो पाएगा? तो इसे और रियल बनाने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ पूरा ना सही तो मंथ के एंड तक कम से कम बैकलॉग्स का 80-90% पार्ट पूरा करना ही। चैलेंज को हमने नाम दिया #15daysChallenge। पूरे बैकलॉग्स का एक जगह ट्रैक रखने के लिए हमने एक लिस्ट बनाया। ऐसे तो चैलेंज ये मंथ एंड तक है, बट उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा बर्थडे आ गया। मुझे भी देखना है कि बर्थडे तक हम इस लिस्ट को कहां तक ले जाते हैं। आज हमारे चैलेंज का day 5 है, यानी इस चैलेंज के हम 1/3 हिस्से तक आ चुके हैं। और मैं सोचता हूं अब इस चैलेंज को थोड़ा और टफ कर देते हैं। अब की बार 80-90% बैकलॉग्स नहीं, पूरा 100% बैकलॉग्स खत्म करेंगे। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आधी अधूरी नहीं, पूरी जंग जीतेंगे। day 1 पे ये लिस्ट ऐसी दिखती थी और आज day 5 पे ये लिस्ट ऐसी दिखती है। पर ये सब इतना आसान भी नहीं था। अब तक इस चैलेंज में हमारी 4 रातें बीती हैं और इसमें बस 1 रात ही हमारी नींद पूरी हुई है। चैलेंज की पहली रात ही हम बस 3 घंटा सोए थे और 2 रातें हम पूरी रात जगे हैं, जिसमें से 1 रात बीत चुकी है और 1 आज की रात है। सबसे पहले आप समय देखो अभी का, दैट इज 5:27 AM। ये सुबह के 5 बज रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं अभी सो के उठ गया हूँ। बात यह है कि अब तक मैं सोया नहीं हूँ। जो आपने पिछला ब्लॉग देखा था ना day 4 वाला, उससे बस 2 घंटा आ गया हम अभी, यानी तभी सारे टास्क कल के जो हम कर रहे थे पूरा करने में 3 बज गए थे हमारे और अभी 5 बज रहे हैं, बस 2 घंटा आ गए हम। और बीच में मैं वीडियो एडिट करने चला गया था, जो मैंने उसमें बोला भी था, तो उसको मैंने फाइनल कर लिया, उसको अपलोड भी कर दिया मैंने अब। और अभी अभी समय तो आप देख ही रहे हो और अभी क्या ही करे इंसान। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि अभी सोने चलते हैं और सो के उठेंगे तो फिर आज के दिन को भी उतना ही प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे जितना हमारा कल का दिन रहा। तो फिर अभी चलते हैं सोने अपन, गुड नाइट। और हाँ, आज मैंने एक पोस्ट किया था जो मैंने पब्लिक पोस्ट किया था और बाद में फिर मैंने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया। थोड़ा अभी से हम 1 घंटा पहले चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको पोस्ट क्या था। तो ये वो पोस्ट है और मैं आपको ऊपर के कुछ लाइंस पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा है मैंने इसमें, कि हाय कौन कौन जगा है अब तक, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। और ये जब मैंने लिखा था तभी टाइम 3:49 AM हो रहा था, इसलिए मैंने वो भी डाल दिया। और जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उसके 10 मिनट बाद लिया तो 4 बजने हो गया ऑलमोस्ट। खैर, मैंने आगे लिखा था आपके लिए एक सरप्राइज़ है एंड मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है, सो के उठता हूँ तो बातें करते हैं, फिर आगे सरप्राइज़ रिवील कर दूँ क्या, वैसे कर ही देता हूँ। आज ब्लॉग आने वाला है, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करके सोने जा रहा था एंड दैट ब्लॉग इज जस्ट फायर एंड और वेट नहीं कराऊंगा, वो वीडियो सुबह में ही डाल दूंगा। फिर उसके बाद मैं सोने नहीं गया, मैंने वो वीडियो को अपलोड में लगा दिया और आपके कमेंट्स वगैरह थोड़ा देख रहा था मैं। और उसके बाद उसी के चक्कर में मतलब 5:30 हो गया एंड उसके बाद मैंने ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को लगा ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, वरना बाद में ज़्यादा लोग देख लेंगे तो डिलीट भी नहीं कर सकते, इसलिए एनीवे अभी 5:30 हो गया, अभी तो सोने चलते हैं अपन। उठता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। अभी 9 बज रहे हैं और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अभी हम चलते हैं अपने स्टडी टेबल पे और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज के टारगेट्स रेडी कर लेता हूँ कि क्या क्या करना है मुझे आज। ये है हमारे आज के सारे टारगेट्स और नींद तो बहुत अच्छी नहीं हुई, पर फिर भी दिन को आज बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, सारे टारगेट्स आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज सबसे बड़ा टारगेट हमें ये करना है NLM का 1 शॉट, ये 10 आवर का है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, 1 सेकंड दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये वाला है जो हमें कंप्लीट करना है। मुझे नहीं पता कितना आज होगा बट कोशिश करेंगे जितना हो पाए, और इसी में नहीं लगे रहना है भाई, हमें बाकी सारे टारगेट्स को भी करना है ना आज, तो कोशिश करेंगे ये देखते हैं ये कितना होता है और बाकी सारे टारगेट्स भी हम खत्म कर ले। यार मुझे नहीं पता कि आज ये सब कैसे मैनेज होने वाला है, पर फिलहाल के लिए तो अपने पहले टारगेट से शुरू करते हैं। एंड हाँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली मैं A4 साइज पेपर का यूज करता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वो बेटर रहते हैं। अब बनाते कैसे हैं ये बताता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो शॉर्ट नोट्स में हम स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे नहीं, तो चीज़ों को जितना स्मॉल करके लिख सकते हैं वो कोशिश करेंगे। जैसे बायो केस में किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म जो है वो वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे फिजिक्स केस में हम सारे फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं और फॉर्मूलाज के बगल में किन कंडीशंस में उनको अप्लाई करना या फिर क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली है इनको अप्लाई करते वक्त, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मेनली जो चीजें भूल जाने वाली है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे क्या एक्सेप्शंस है
उनको हम लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में चीजों को जितना ऑर्गेनाइज करके आप लिखोगे ना उतना वो रिवीजन के टाइम में हेल्पफुल होंगे। तो उसे आप क्लीन रखो और उसमें आप अपने तरीके से जो पढ़ा हुआ है चैप्टर उसको समराइज करने की कोशिश करो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। एंड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड जो भी चीजें ज्यादा आप भूल जाते हो तो वहां पे होनी चाहिए। तो बस यही सारी चीजें। और हाँ, बाद में देखोगे कि आप शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि इतनी बार रिवाइज हुआ है कि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत कॉमन हो गई है। तो बस जो उसमें भी लग रहा है भूल रहे हैं उनको एक जगह अलग निकाल लेंगे। तो बस फ्यू पेजेस में आपके पास वो हो जाएगा जिसको बस आप रिवाइज करो और आपका वो चैप्टर तैयार। अभी इधर तक हमने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। और क्रेप साइकिल कितनी घटिया चीज है ना यार। और अगर अभी अब समय की बात करें हम तो समय इज 12:38 यानी एक चैप्टर करने में हमारे 12 बज चुके हैं। अभी हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया खत्म। मैं सोच रहा था कौन सा चैप्टर करूं। एक बार को सोच रहा हूं कि एनएलएम कर लूं, पर भाई अगर एनएलएम मिल गया ना तो पूरा दिन का समय यही खा जाएगा, फिर कुछ और नहीं कर पाएंगे। पर इसको लंच बाद ही लेना ठीक रहेगा। अभी मैं कुछ और सा लेक्चर कर लेता हूँ। जैसे मेरे को इधर 3 लेक्चर करने हैं थर्मो के, तो इनमें से एक उठा लेता हूँ मैं थर्ड वाला और फिर देखते हैं क्या समय लगता है। आई सॉ कुछ कमेंट, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बैकलॉग वाले सीरीज का Day 3 कहाँ है। Day 3 मिसिंग है, पर उसके बारे में मैंने बताया था कम्युनिटी में। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना जाके चैनल पे, वहाँ पे जो भी एपिसोड आ रहे होंगे हमारे इस सीरीज का सारा वहाँ पे मैं डाल रहा हूँगा। और जो कुछ करना होगा अपडेट मेरे को कि ये ऐसा है वैसा है वो सारे मैं कम्युनिटी में बता देता हूँ। निकल लिया पूरा लेक्चर वो खत्म। और अगर अभी समय की अपन बात करें तो दैट इज 3:05 या 3 बज गए ना। फिर से डेली में पता है देख रहा हूँ कि लंच करने में मैं लेट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लंच करने जाते हैं और फिर आके अपन देखेंगे। आई एम बैक आफ्टर द लंच। ही वैसे ही हम छोड़ के चले गए थे। अभी सबसे पहले तो अपना लिस्ट लाते हैं और देखते हैं इसमें क्या रहता है। अभी हमने लेक्चर 3 तो कर लिया, करके ही गए थे लंच करने। मैं सोच रहा हूँ लेक्चर 4 भी कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। 2 लेक्चर कर लेते हैं थर्मो को लगातार, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी भाई टेंशन है, इसमें लगेंगे तो फिर बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसको लगते हैं इसमें भी, बट इसको पहले करते हैं फिर देखते हैं। और हाँ यार, आज 19 तारीख है ना, तो आज से बस 10 दिन रहता है मेरा बर्थडे, ठीक 10 दिन, क्योंकि 29 को है आज 19 है। हमने कर लिया इस लेक्चर को पूरा। और अभी अगर समय दिखाऊं मैं आपको तो दैट इज 5:41। और इधर हमने लेक्चर 4 तो कर लिया, सो ये तो डन है। मैं भी सोच रहा था कि 6 बजे से प्रॉपर एनएलएम को हम शुरू करेंगे, तो 6 बजे में भी थोड़ा सा हमारे पास समय रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उतने समय में कुछ और कर लेते हैं अपन। तो मेरे को रिवीजन एक इसको करना है तो प्लांट किंगडम कर लेते हैं रिवीजन, और फिर 6 बजे से इसको शुरू करेंगे और देखेंगे बाकी के टास्क कैसे कर पाते हैं। पहले इसको करते हैं जहाँ समय नहीं लगेगा और फिर एनएलएम। और इसको मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, चूंकि कुछ दिन पहले ही हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एनसीईआरटी से किया था। अभी जो बस हमारे पास इंपॉर्टेंट टेबल है हम उसको देख रहे हैं, और जो भी पार्ट हमने हाईलाइट किए हुए हैं कुछ एडिशनली जो मैंने बुक के अंदर लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं, और जो भी हमारे पास डायग्राम से उनको देख ले रहे हैं। तो अभी ऐसा ही कर रहे हैं, कम समय में मेजर चीज़ें रिवाइज। पूरा इसको रिविजन कर लिया अच्छे से। और अभी अगर समय देखिए तो समय इज 6:27। मेरे को लगा था थोड़ा सा ही टाइम लगेगा बट लग गया, पर कोई ना अच्छे से किया मैं, मतलब जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको किया और जो कुछ एडिशनली मैंने लिखे हुए हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखते चला मैं। एटलीस्ट प्लांट किंगडम तो अच्छे से हो गया। और मैंने इसको अच्छे से इसलिए किया ना, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इसके PYQs मेरे को लगाने हैं आज, तो इसलिए मैंने थोड़ा इस पर समय भी दिया, ठीक है उतना। पर अभी NLM पे लगते हैं और फिर आगे देखेंगे। और हाँ, एक काम हमारा जरूरी छूट रहा है, दैट इज सॉरी। हाँ अब ठीक है। तो ये रहा वो टारगेट जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है कितना हो जाएगा? पता नहीं, देखते हैं कितना आज हो पाता है। अभी मैंने इतना लेक्चर किया था और माँ अभी ये ला देती है, तो इसे खाते हैं और अपना लेक्चर यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। और यार, अभी हेल्थ इज द थिंग विच आई एम इग्नोरिंग द मोस्ट, मतलब क्या ही बताऊँ, बैंड बज रखा है पूरा नींद से लेके खाने के टाइम तक। हालांकि खाने के टाइम का तो माँ ध्यान रख लेती है, जब तक उठू नहीं तब तक कॉल करती रहती है, टाइम नहीं दिख रहा है तुम्हें, सब किसने खा लिया, क्या कर रहे हो, आओ आओ, ठंडा हो गया पूरा, आओ जल्दी। तो ही मुझे यहाँ पे इसको पॉज करना पड़ा। मैं समय दिखाता हूँ, अब देखो आप समझ जाओगे कि क्यों करना पड़ा। अभी समय हो रहा है 9:38 और मैं 9 बजे तक डिनर कर लेता हूँ। माँ कई बार डिनर के लिए बुला चुकी है और अभी मैंने सोचा कि डिनर करके आ ही जाते हैं फिर ही देखते हैं, तो ये सब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं अभी और आते हैं फिर देखते हैं। अभी आई एम बैक आफ्टर माई डिनर। ये लिस्ट देख के सोच रहा था कि बाकी सारे टास्क भी ऐसे करने हैं, तो या तो पूरा NLM ही कर दे रहा हूँ या फिर बाकी कुछ भी कर लूँ और फिर NLM देखेंगे। NLM तो हो नहीं पाएगा, आप देखो तो अभी 2 आवर पहुँचे हैं, मुश्किल से 3 घंटे होने वाले हैं। ये कर सकते हैं कि NLM का सेकेंड लॉ जो है ये पूरा खत्म कर लेते हैं और फिर अपने आगे के टारगेट्स को देखेंगे और बाकी इसका बाद में। हाँ ये सही है, यही करते हैं। क्या करते हैं कि NLM का सेकंड वाला पूरा खत्म और फिर NLM के बाद बाकी जो हमें टास्क करने हैं उसको करने लगेंगे। यही करते हैं, लेट्स गो।
पॉज कर लिया, ये पूरा भी हो गया हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ चल रहा था, और इसके बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ शुरू हो गया है। तो हम बस यहीं तक करना था, हमें यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और अभी हम आगे के टारगेट्स को देखते हैं। तो अगर हम अपनी लिस्ट को देखें तो एनएलएम हमने कर लिया, हालांकि इसको ख़त्म नहीं किया, तो क्या ही टिक कर, इसको टिक नहीं करते हैं। और बाकी हमारे अभी बाकी सारे इतने टारगेट्स रहते हैं करने को, इसको छोड़ दे दो। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं न्यूरल का और फिर देखते हैं हमारे हाथ में क्या समय बचता है, फिर इस लेक्चर को भी आज ख़त्म कर लेंगे। तो अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा टाइम दिखाऊँ आपको, तो टाइम इज़ 10:29 है। इसको करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, फिर देखते हैं आगे। तो अभी हमने पूरा नर्वस सिस्टम रिवीजन तो कर लिया, समय देखे तो दैट इज 11:17, 11 बज चुके हैं। ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया रिवीजन, और आई एम थिंकिंग कि ये वाला लेक्चर अब करते हैं। वैसे टाइम तो यार अभी देखा था हमने 11 बज गया है, इसको करेंगे तो 1 तक बज जाएगा, देखते हैं इसको कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितना समय बचता है और क्या अकॉर्डिंगली। आज नींद कोशिश करेंगे फिर भी थोड़ा मतलब ले ही ले ठीक ठाक, जो भी हो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं करेंगे। फिलहाल तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको ख़त्म करने के बाद हमारे हाथ में कितना समय बचता है। हमारे पूरे लेक्चर को और अभी मैं आपको अगर समय दिखाऊं तो समय इज 2 बजने को हो गया यार। यार नींद की मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है, तो अभी नींद लेंगे ठीक है, जो भी टारगेट्स हो गए हो गए। ये तो लेक्चर हमने कर लिया, चलो अच्छी बात। रुको आपको एक बहुत शानदार सी चीज दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ ये बताओ आप क्या है, पेन ऑब्वियसली, ओके एंड इधर ही कहीं नहीं है, ये बताओ क्या है, एक पेन ऑब्वियसली, ओके और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। अरे यार हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ चलने कैसे लगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ जैसे सब्सक्राइब, ठीक है फाइन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब और मैं अब इस पेन से भी लिखूँगा सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब, ओके। अब देखो आप दोनों जगह दिखने के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, हालांकि इसका थोड़ा थोड़ा चल गया है, मान लो इश्यू की चला नहीं है, बट आपको अब एक शानदार सी चीज़ दिखाता हूँ। इस पेन की आप कैप को जब देखोगे, शायद कुछ लोग जानते हो इस पेन के बारे में, इस पेन से आप इस पेन के कैप को आप जब देखोगे तो इससे ये देखो आप, ये ठीक है कुछ नहीं है, बट इधर देखो आप। मतलब यहाँ आंखों से दिख रहा है कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ है और ये बस वही लोग देख सकते हैं जिनके पास ये पेन है या पेन का कैप है। सारा जादू भाई इस पेन के कैप में ही है, यानी इस पेन से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लोगों को लगेगा कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे, बट एक्चुअली में जिसके पास ये कैप होगा दे कैन नो कि वहाँ पे क्या है, देख रहे हो, देयर इज नथिंग एंड नाउ। अब आप समझ सकते हो ये काम कहाँ आएगा, किसी को सीक्रेट मैसेज देना है भाई, ये वो चीज है जो उसे चाहिए। पूरे कॉपी में कोई अपना पूरा सीक्रेट लेके भर सकता है इस पेन से, आम लोगों को लगेगा ये सादा सी कॉपी है, बट ही नोज कि वो इसके लिए कितनी ज्यादा कीमती है। पर बस ये ना हो कि पेन का कैप गुम हो जाए, वरना सारा सीक्रेट गया, सारा सीक्रेट अपने साथ ले जाएगा पेन का कैप। और अभी अपन एक मजेदार सा गेम खेलते हैं, देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में ब्लैंक पेपर नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है। देखो तो अंधेरे उजाले में रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब, सच में यार अपने 5 के हो जाएंगे, और बहुत मेहनत और टाइम लगता है यार वीडियो बनाने में, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज कर देना। और अभी आते हैं अपने उस मजेदार गेम की तरफ। फिर देखो आप, ये हमारा डायरी है और हम इसको निकाल के लाते हैं, ओके। मैं यहाँ हमारी डायरी के पहले पन्ने पे एक बहुत स्पेशल लाइन लिखने वाला हूँ, आम लोगों के लिए एक नॉर्मल सा पन्ना होगा, खाली सा सादा सा, बट वी नो यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज लिखी हुई है और गेम भी यही है। हालांकि स्पेशल की बात हो रही है तो पता है मैंने पहला पेपर इसलिए ब्लैंक छोड़ा है ना, कुछ स्पेशल लिखूँ यहाँ पे ट्राई करते हैं। और मैं देखता हूँ गेम ये कि फ्रॉम माई पेन मोमेंट ओनली आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखता हूँ कितने लोग सही गेस कर पाते हैं, स्टार्ट करते हैं करना। यहाँ पे सच में एक बहुत प्यारी चीज लिख रहा हूँ मैं, और उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सस्पेंस बनता भी है यार, इतनी प्यारी सी लाइन है। तो आप अभी गेस करो और मैं इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है मैंने, देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाते हैं।
तो बस यही है, एक नॉर्मल सा खाली पन्ना। बट मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कितने लोग बता पाते हैं। मैं कल के ब्लॉग में खुद ऐसे टॉर्च जला के दिखाऊंगा। अच्छा क्या इधर जला दो? नहीं नहीं नहीं, कल दिखाता हूँ मैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको तीन हिंट देता हूँ। पहला, इसमें टोटल 9 वर्ड है और लास्ट वर्ड मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, दैट इज डेस्टिनेशन। अरे बाकी तो नहीं दिखा। और थर्ड थिंग ये है कि ये जर्नी के बारे में है। अब देखता हूँ मैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं लिखा है। तो बस आज के लिए बाय, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।